हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू झा। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है और हम इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जैसे कि इस साल हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो ये है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। कंज्यूमर, किसी भी एक इकोनॉमी में कंज्यूमर से हमारा क्या मतलब है? तो बेसिकली कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। हम किसी भी एक पर्सन को कंज्यूमर तब कहेंगे जब वो एक इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केट से वीट को परचेज किया और अगर उस वीट को मैंने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ किया, इन दैट केस आई एम अ कंज्यूमर। लेकिन अगर मैंने उस वीट को फर्दर किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल उस वीट से मैंने बिस्किट बनाने के लिए यूज़ किया, तो इन दैट केस मैंने उस गुड में वैल्यू एडिशन करके कुछ और प्रोड्यूस किया, इन दैट केस आई एम नॉट अ कंज्यूमर, क्योंकि मैंने उस गुड को अल्टीमेटली फाइनली कंज्यूम नहीं किया। तो किसी भी एक इकोनॉमी में कंज्यूमर वो इकोनॉमिक एजेंट है जिसने गुड्स का फाइनली कंजम्पशन किया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। बेसिकली इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट और कंडीशन जहाँ से हम लोग हटना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस स्टेट पे पहुँच गए हैं तो ना ही तो हमें उससे कम चाहिए और ना ही उससे ज़्यादा। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हम लोग स्टेबल रहना चाहते हैं, वहाँ से नहीं हटना चाहते। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें उससे पहले कई कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, क्योंकि इन्हीं दो अप्रोचेस का यूज़ करके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुँचेंगे। इसी से ही हमें पता चलेगा कि फाइनली कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुँचता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है। इकोनॉमिस्ट मार्शल का मानना था कि जो कंज्यूमर है वो जिन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन को, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो उनको नंबर्स में, इतना रेशनल है हमारा कंज्यूमर कि वो उसे नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकता है। देयरफॉर इकोनॉमिस्ट मार्शल ने कहा था कि दैट वी कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। यहाँ पे बेसिकली कार्डिनल का मतलब ही यही है कि हम किसी चीज़ को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कप ऑफ टी कंज्यूम किया, तो इकोनॉमिस्ट मार्शल का ये मानना था कि मैं इतनी रेशनल हूँ कि एक कप ऑफ टी से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला है उसे मैं नंबर्स में बता सकूँ कि मुझे उससे 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 3 यूटिल्स का। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिस्ट हिक्स का मानना था कि नहीं, एक कंज्यूमर इतना रेशनल नहीं है कि वो किसी भी गुड को कंज्यूम करते ये बता सके कि एग्जैक्टली उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर ये कर सकता है कि वो बता सकता है कि अगर उसने 1 कप ऑफ टी और 1 कप ऑफ कॉफ़ी लिया है, ये बताया जा सकता है कि हाँ, मुझे 1 कप ऑफ टी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है एज़ कम्पेयर टू 1 कप ऑफ कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी का यूज़ करके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है। उससे पहले भी हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूटिलिटी क्या है। तो बेसिकली यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी किसी भी गुड और सर्विसेज की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कप ऑफ टी है, उस कप ऑफ टी को कंज्यूम करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। और यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है और टाइम टू टाइम डिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल, मुझे टी पसंद है, इसका मतलब कि जब मैं 1 कप ऑफ टी का कंजम्पशन करूँगी तो मुझे उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि मुझे उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। पर कोई एक दूसरा पर्सन है जिसे टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर उसको हम टी ऑफ़र करते हैं तो उस, अगर वो उस टी को कंज्यूम करेगा तो उस उसको उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, दैट मीन्स कि उसे बहुत कम यूटिलिटी मिलेगी उससे।
इसका मतलब जो यूटिलिटी होती है हमारी सब्जेक्टिव होती है और पर्सन टू पर्सन डिफर करती है और ये टाइम टू टाइम भी डिफर करती है। फॉर एग्जांपल 5-6 घंटे हो गए हैं और मैंने वाटर का कंजम्पशन नहीं किया, अब जब मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करूँगी तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट एट कॉन्टिन्यूस बेसिस मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, जब मैं 2nd ग्लास ऑफ वाटर लूँगी उससे थोड़ा कम मिलेगा। इसी तरीके से जब मैं अपने कंजम्पशन को कंटिन्यू रखूँगी और जब 4-5 ग्लास ऑफ वाटर ले लूँगी तो उसके आगे क्या होगा, मेरी इच्छा नहीं होगी वाटर लेने की। इसका मतलब कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी मेरी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारी यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम डिफर करती है। तो बेसिकली यूटिलिटी होता है हमारा वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, कि किसी भी गुड की वांट सेटिस्फाई करने की कितनी कैपेसिटी है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और ये मोर द नीड एंड मोर द डिज़ायर टू हैव इट, जितनी ज़्यादा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा हम उसे लेना चाहेंगे और उतनी ज़्यादा यूटिलिटी हमें उससे मिलेगी। तो क्योंकि अभी हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अप्रोच से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कैसे जाएंगे, तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो बेसिकली टोटल यूटिलिटी इज अ टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी एक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कमोडिटी एक्स है उसका मैंने 3 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन किया है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने 1 यूनिट का कंजम्पशन किया तो मुझे 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, जब मैंने उसी गुड का 2nd यूनिट ऑफ कंजम्पशन किया तो उससे मुझे 15 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, और इसी तरीके से जब मैं 3rd यूनिट का कंजम्पशन कर रही हूँ तो मुझे 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। यानी कि अगर अब मुझे टोटल यूटिलिटी कि उस पूरे गुड का कंज्यूम करके मुझे कितना टोटल यूटिलिटी कितना मिला, तो ये मेरा जब मैं इन तीनों का सम कर दूंगी तो मुझे मिलेगा यानी कि 45, यानी कि मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी 45। यानी कि टोटल सेटिस्फेक्शन यानी कि उस गुड को कंज्यूम करके जो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है दैट इज़ कॉल्ड माय यूटिलिटी। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कि जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने 2nd गुड का कंजम्पशन किया था तो मुझे 15 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला था, और जब मैंने फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन किया तो मुझे 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। तो जब मुझे मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल का मतलब हमेशा एडिशनल होता है, यानी कि 1 से 2, जब मैंने एक यूनिट बढ़ाया तो मेरी सेटिस्फेक्शन कितनी कम हुई, 5। दिस इज़ माई मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इट इज़ द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है दैट इज़ माई मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जब मैंने टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके जितना मिला था माइनस टोटल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करके जितना लिया, फर्स्ट से मुझे 20 मिला था और सेकेंड से मुझे 15 सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 5 यूटिल्स होगी। और यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट होती है हमारी यूटिल्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जब भी हम किसी भी गुड्स का कंजम्पशन शुरू करते हैं, जैसे जैसे उस यूनिट्स के कंजम्पशन का हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वैसे वैसे हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक गुड का कंजम्पशन जब मैंने 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन किया तो मुझे 8 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, जब मैंने उसी गुड का 2nd यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 14 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं कंजम्पशन को बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, पहले मुझे 8 यूटिल्स मिला उसके बाद 6। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें देखनी होगी कि टोटल यूटिलिटी तो मेरी बढ़ रही है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि पहले मेरे को 8 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला था फिर 6 और अब हो गया मेरा 4, यानी कि मेरी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। और हमने अभी पीछे देखा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमारा चेंज इन टोटल यूटिलिटी होता है, यानी कि अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी तक पहुंचना है तो जो 2nd यूनिट ऑफ कमोडिटी का हमने कंजम्पशन किया उसे 1st यूनिट से जो मुझे कंजम्पशन मिला था उसे माइनस करना होगा। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जब 1 को उससे पहले वाली यूनिट से माइनस किया तो 8 आया। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे हर नेक्स्ट गुड्स के यूनिट के कंजम्पशन के साथ साथ कम होती जा रही है। तो हमें ये देखना होगा कि इसका रीज़न क्या है, क्यों मेरी मार्जिनल यूटिलिटी गुड के कंजम्पशन के साथ साथ कम होती जा रही है।
इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी घटती है उसके पीछे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। जैसे जैसे हम किसी भी एक गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं उसे एडिशनल यूनिट से मिलने वाली कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने पीछे लिया था, जब मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया था तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, पर जैसे जैसे मैंने उसे कॉन्टीन्यूस बेसिस पर मैं उसे कंज्यूम करती रही तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी कम हो गई क्योंकि उसको लेने की अब मेरी इच्छा कम है। इसी तरीके से यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब भी हम किसी भी गुड का, और यहाँ पे हमारी दो एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो गुड है उसका हम स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर रही हूँ, ना कि 1 स्पून ऑफ वाटर। और सेकेंड एजम्पशन हमारा होता है कि जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस बेसिस पर है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर अभी लिया और 1 ग्लास ऑफ वाटर 1 घंटे बाद, तब तो ऑब्वियस ही बात है मेरा यूटिलिटी, मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। लेकिन जब हम उस कंटिन्यूस बेसिस पे कंटिन्यू रखते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती है क्योंकि उसको और लेने की इच्छा, जैसे जैसे किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा मिलने लगती है तो उससे मिलने उसको पाने की इच्छा हमारी कम हो जाती है। दैट इज़ हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी तक हमने इसे न्यूमेरिक में समझा, अगर हम इसे स्केमेटिक डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीज़न ही यही है कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्रीज होता है। क्योंकि जब इनिशियली हमने गुड के कंजम्पशन को बढ़ाया था तो मेरे को सबसे पहले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, फिर धीरे धीरे कम होता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ फिर उस चीज़ को लेने, उस कमोडिटी को लेने की मेरी बिल्कुल इच्छा ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, जब हमने पहली रोटी ली तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, जब दूसरी ली उससे थोड़ा कम, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे चौथी पांचवी रोटी में ऐसा हो जाएगा कि नहीं अब हमें नहीं खाना है। पर अगर उसके बाद भी हम अपना कंजम्पशन को कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि नहीं अब तो बस पेट फट ही जाएगा। तो दैट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम पहुंच जाते हैं ना, वहाँ हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारी यूटिलिटी नेगेटिव में जानी शुरू हो जाती है क्योंकि अब उस चीज़ को हम ज़बरदस्ती ले रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है उसे लेने की। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी इच्छा ख़त्म हो गई है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्रीज करता है, उसके बाद एट अ पॉइंट ऑफ जीरो पे पहुंचता है और उसके बाद डिमिनिश नेगेटिव हो जाता है। तो इसी मार्जिनल यूटिलिटी से अगर हम टोटल यूटिलिटी पे जाना चाहेंगे तो जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, लेकिन जब तक वो पॉजिटिव है तब तक मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे पहुंचेगी हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, और उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा फिर यहाँ से ये मेरा टोटल यूटिलिटी डिमिनिश करना शुरू कर देगा। और रीज़न यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस गुड के कंजम्पशन की इच्छा हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है। और अगर हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है और यहाँ इसके बाद हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। इस तरीके से हम जो भी हमारा ये रिलेशनशिप है इसको हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये वाला थर्ड। फर्स्ट फेज जहाँ पे मेरा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे अगर टोटल यूटिलिटी की बात करो तो ये मेरा इंक्रीज कर रहा है, पहले 0 फिर 8 फिर 14 18 20 टोटल यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आएगा जहाँ पे ये मेरी कांस्टेंट हो जाएगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, ये वो वाला पॉइंट है जब ये कांस्टेंट हो जाएगी, और ये वो टाइम होगा जहाँ मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। इसके बाद क्योंकि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है तो यहाँ मेरी टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू हो जाएगी, 20 से 18 हो गया, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखती तो ये 14 हो जाता, इस तरीके से ये घटना शुरू हो जाता। तो इसलिए हमारा जो टोटल यूटिलिटी कर्व होता है वो इस तरीके से पहले हमारा इंक्रीजिंग होता है, फिर कांस्टेंट, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। और इसके रीज़न यही है क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसके पीछे काम करता है। तो यही अभी तक हमने समझा, जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारा सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि इस कर्व को हमने इसके समेशन से डिराइव किया है।
और नेक्स्ट होता है हमारा टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एंड यू इज पॉजिटिव। हमारा टी यू तब तक बढ़ेगा जब तक मेरा जो मार्जिन यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है। जब तक मेरी मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, और जैसे फिर मार्जिन यूटिलिटी जीरो पे पहुंची टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। ये वो पॉइंट है जहाँ मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी और तब मेरी टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू हो जाएगी। Therefore, decreasing MU implies that TU is increasing at a decreasing rate. तो जब मेरा मार्जिन यूटिलिटी घट रहा होता है ये मुझे बताता है कि जो मेरा TU है वो बढ़ तो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन ये बढ़ रहा होता है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि इन वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचेगा, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर कितना यूनिट्स ऑफ गुड्स का कंजम्पशन करे कि वो अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए कोई भी कंज्यूमर जब गुड्स को परचेज करता है तो उसके पीछे तीन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि वो उस गुड को परचेज करेगा या नहीं करेगा। पहला होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि सबसे पहली थिंग होती है कि कोई भी चीज़ जब हम मार्केट में ख़रीदने जा रहे हैं तो उसका प्राइस कितना है। अगर उसका प्राइस इतना है कि जो मैं पे कर सकती हूँ देन आई विल प्रेफर टू परचेज दैट थिंग। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, जब मैं अपना पैसा उस पर खर्च करूँगी तो मैं देखूँगी कि उस चीज़ को परचेज करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और कभी भी हम इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम पर जाते हैं तो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी से होते हुए जाते हैं, कभी भी हम टोटल यूटिलिटी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर इतना रेशनल नहीं है कि वो अपने टोटल यूटिलिटी से डिफाइन कर सके कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पा रहा है या नहीं। हमेशा हम एक एडिशनल यूनिट, यानी एडिशनल यूनिट में हमारा हमेशा कंपैरिजन रहता है कि पहले वाले यूनिट को कंज्यूम किया या अब पहले वाले यूनिट से ज़्यादा मिला या अभी वाले यूनिट से, तो इसलिए हमेशा हम इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी से पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या है। कंज्यूमर के लिए उस चीज़ को परचेज करने के बाद जो मार्जिन यूटिलिटी से उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है। और थर्ड थिंग आती है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कंज्यूमर के लिए। हम अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट लेते हुए चलेंगे, जो कि यहाँ हमारा वन रुपीज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है कि वन रुपी को खर्च करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि एक रुपये मुझे कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और इस केस में हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कॉन्स्टेंट लेते हुए चलेंगे, जो कि है मेरा एक रुपये से 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम ये कैसे, क्योंकि अल्टीमेट हमें पहुंचना कहाँ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, हमें एट द एंड ये चीज़ का पता लगाना है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। तो ये है वो फाइनल चीज़ जहाँ से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुँचेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कोई भी कंज्यूमर कितना यूनिट्स ऑफ गुड को परचेज करे कि वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाए। और हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जहाँ से कंज्यूमर रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहता है, ना उससे कम चाहेगा और ना ही उससे ज़्यादा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स है, वो हमारा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि कंज्यूमर कितना यूनिट्स चाहता है। तो अब ये मेरा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय PX क्या है। This is the rupee worth of satisfaction that the consumer actually gets. अभी हम लोग यहाँ derive करके भी देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ हमें show करता है कि consumer ने जब भी कोई चीज़ का consumption किया तो उससे उसे actually कितना satisfaction मिला है, ये चीज़ हमें वो show करती है। और next होता है हमारा marginal utility of money, जो consumer actually चाहता है market से लेना। तो next हम लोग देखते हैं कि इस equilibrium पे सबसे पहले हम लोग stable से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जो कंज्यूमर था उसने 1 यूनिट्स को परचेज़ किया तो उसे 20 यूटिल्स ऑफ मार्जिन यूटिलिटी प्रोवाइड हुई। तो अब अगर यहाँ से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे पहुँचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है उसे मैं प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दूँगी, यानी कि जितना जिस गुड से मुझे जितनी मार्जिन यूटिलिटी मिली है उसका जो प्राइस था उससे हम डिवाइड कर देंगे। और यहाँ मैंने बता रखा है जो हम 1 रुपी लेके चलेंगे वो
वन यूनिट लेके चलेंगे वो फोर यूटिल्स के बराबर होगा, यानी कि पहले से मुझे 20 यूनिट्स मिला था, इसको फोर से डिवाइड किया, यानी कि फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करके मुझे 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, जबकि मुझे मिलनी कितनी सेटिस्फेक्शन चाहिए, 4 यूटिल्स मिलनी चाहिए। अभी मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि मुझे मिलना 4 चाहिए लेकिन मिल मुझे 5 रहा है, यानी कि 1 रुपये खर्च करके मुझे 5 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जबकि मुझे मिलना 4 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर मैं अपना कंजम्पशन कंटिन्यू रखूँ क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो यानी कि जो कंज्यूमर है वो 1 यूनिट फर्स्ट यूनिट को परचेस करेगा क्योंकि यहाँ उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जब कंज्यूमर सेकेंड यूनिट को परचेस करेगा तो उसे कितना मिलेगा। सेकेंड में मार्जिन यूटिलिटी 18 है हमारा और प्राइस 4 है, यानी कि 4.5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगेन मेरा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, चाहिए मुझे 4 यूटिल्स, मिल मुझे 4.5 है। अभी भी मैं से कि बेसिक सी चीज़ है, जब भी अगर जितना मैं चाहती हूँ अगर मुझे उससे ज़्यादा मिला तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं उसे और लेना चाहूँगी। तो सेम थिंग यहाँ पे हो रही है, अभी कंज्यूमर को ज़्यादा मिल रहा है यानी कि वो अभी और लेना चाहेगा। तो यहाँ पे उसे 5 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला तो लिया 4.5। नेक्स्ट आता है कि जब वो थर्ड यूनिट का कंजम्पशन करेगा तो थर्ड में मेरा 16 है और इसको मैंने 16 को जब 4 से डिवाइड करूँगी तो मुझे 4 मिलेगा और मिलना कितना चाहिए 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे व्हाट कंज्यूमर वांट्स एंड व्हाट कंज्यूमर इज एक्चुअली गेटिंग, बोथ द थिंग्स इज इक्वल। तो ये वो पॉइंट है जहाँ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हुआ, यानी कि हमारा कंज्यूमर 3 यूनिट्स को परचेज करेगा तब वो अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। इसी चीज़ को अगर हम फिगर से समझने की कोशिश करें तो ये वाला कर्व मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है और हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और इसका रीज़न हमने देखा था क्यों, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती जाती है, इसलिए मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और एक्स एक्सिस पे हमेशा हम किसी भी यूनिट्स को शो करते हैं कमोडिटी के और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को शो करेंगे। और ये है मेरा प्राइस ऑफ एक्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्राइस है वो अभी हम कांस्टेंट लेते हुए चल रहे हैं ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें चीज़ों को। तो जो मेरा प्राइस है वो एट 4 पे कांस्टेंट है और मार्जिनल यूटिलिटी है, और मैंने बोला है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी और इस जहाँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पी एक्स के बराबर होगा, जहाँ ये कट करेंगे वहाँ मेरा इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये वो स्टेट है यानी कि यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पी एक्स को इस पॉइंट सी पे कट कर रहा है, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये वाला एरिया हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को चाहिए कितना था 4, यहाँ पे भी ज़्यादा मिल रहा था और इसके ऊपर भी हमें ज़्यादा मिला। तो जब तक क्योंकि जो कंज्यूमर को चाहिए था जो उससे ज़्यादा अभी तक मिलता रहा है वो ऑल थिंग विल गो इनटू द कंज्यूमर सरप्लस, तो जो ऊपर का एरिया है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस शो करेगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर उसको हमने देखा कि हमारे दो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई किया है कि हम किस किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरा इसको समझा कि कार्डिनल अप्रोच से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुँचे। तो बेसिकली कार्डिनल का मतलब होता है कभी भी हम किसी चीज़ को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कार्डिनल कहते हैं। इसमें हम लोगों ने जो कंज्यूमर है उसके सेटिस्फेक्शन को नंबर में एक्सप्रेस किया है, इसलिए हमने इस अप्रोच को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वन कमोडिटी केस में हम इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर टू कमोडिटी केस आ जाए, अगर हम टू कमोडिटीज़ को लेके चलें तब कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। एट लास्ट हम लोग देखते हैं कि टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर, हम कैसे पता लगाएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो इन दिस वी कंसिडर अ सिचुएशन वेर द कंज्यूमर इज़ बाइंग ओनली टू कमोडिटी एक्स एंड वाई। यहाँ हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर है सिर्फ दो ही कमोडिटी को परचेज कर रहा है, एक्स और वाई। तो कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, यानी कि जितना सेटिस्फेक्शन उसे गुड एक्स को कंज्यूम करके मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन जब उसे गुड वाई को कंज्यूम करके मिलेगा तब हम लोग कहेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे है। और इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं कि इन अ स्टेट ऑफ इक्वी मार्जिनल इक्विलिब्रियम,
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जब बोथ गुड से इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड हो तब हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इन केस हम लोग लेके चलते हैं कि इन केस हम लोगों ने माना कि कंज्यूमर को गुड एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू गुड वाई, तो कंज्यूमर क्या करेगा? फॉर एग्जांपल मुझे गुड एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे गुड एक्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूँगी? गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा दूँगी। और जैसे ही मैं गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाऊँगी तो मुझे फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट यूनिट को लूँगी मेरा मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर मैंने सेकेंड को लिया, थर्ड को लिया, जैसे जैसे मैं उसकी कंजम्पशन को बढ़ाऊँगी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कम हो जाएगी। यानी कि जैसे ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी जब मैं इसकी कंजम्पशन को बढ़ाऊँगी, तो जब ये मेरा ऊपर वाला फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये पूरी चीज़ नीचे आ जाएगी। यानी कि और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंज्यूमर अगेन इस स्टेट में ना आ जाए, जब तक कंज्यूमर अगेन इस स्टेट में ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें हमने क्या किया, क्योंकि मुझे गुड एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी तो मैंने गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा दिया, और जैसे ही मैंने गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाया उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कम हो गई, यानी कि अब ये वाला फ्रैक्शन कम होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे मैंने गुड वाई को इग्नोर किया, इसका कंजम्पशन कम किया, अब जैसे ही, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी गुड के कंजम्पशन से उसकी यूटिलिटी कम हो रही है, तो अगर हम किसी गुड के कंजम्पशन को कम करेंगे तो उससे यूटिलिटी बढ़ेगी भी। तो फॉर एग्जांपल मैंने 5 घंटे पानी नहीं पिया था तो मुझे पानी पीने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी, यानी कि जैसे जैसे मैं गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाऊँगी और वाई को कम करूँगी इसकी यूटिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है, अगेन ये इक्विलिब्रियम पे आने शुरू हो जाएंगे। और जब इस स्टेट पे हम पहुँच जाएंगे तो हम कहेंगे कि येस कंज्यूमर अगेन केम इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगेन इसके अपोजिट ये हो सकता है समटाइम्स कि कंज्यूमर को गुड वाई से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगेन इस केस में भी यही होगा, क्योंकि मुझे गुड वाई से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मैं गुड वाई की कंजम्पशन को बढ़ाऊँगी, गुड वाई की कंजम्पशन को बढ़ाया उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई, और क्योंकि गुड एक्स को मैंने छोड़ा तो इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरी बढ़ गई, अगेन ये इक्विलिब्रियम पे आने शुरू हो जाएंगे। और जब अगेन मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगी तो मैं कहूंगी कि यस आई अगेन केम इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऐसे हम लोग पता लगाएंगे कि कंज्यूमर कितने अमाउंट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करेगा कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो हम अब जब इकोनॉमिस्ट मार्शल ने हमें ये थ्योरी दे दी थी, उन्होंने कह दिया था कि यस इन बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन रीच एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो फिर क्यों हमें किसी और मेथड की ज़रूरत पड़ी, क्यों हम नेक्स्ट मेथड लेकर आए जिसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस थ्योरी की लिमिटेशंस रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी लिमिटेशन तो इसकी ये थी कि इकोनॉमिस्ट मार्शल ने बोला था कि जो कंज्यूमर है वो इतना रेशनल है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकता है, बट इन रियलिटी हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतने रेशनल नहीं है कि कोई भी चीज़ हमने कंज्यूम की और एकदम से हमने कह दिया कि हाँ मुझे इससे 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं ऐसे रियलिटी में नहीं होता है। इसलिए हमें नेक्स्ट थ्योरी की ज़रूरत पड़ी और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नेक्स्ट अप्रोच का यूज़ करके हम कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुँचेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।